हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। गाइस, व्हाट्सएप हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप जो है अपने इंटरफेस में, अपने एप्लीकेशन में लगातार नए नए चेंजेस करता रहता है ताकि अपने यूजर्स को जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। साल 2020 एक ऐसा साल गया जिसमें कि लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऐसे हालात में भी व्हाट्सएप ने लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए अपने व्हाट्सएप में, मतलब एप्लीकेशन में लगातार कुछ ऐसे फीचर्स को इम्प्रूव किया है और ऐसे फीचर्स को अपडेट किया है जिससे कि वर्क फ्रॉम होम करने में और लोगों को घर से काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है। कौन कौन से ये फीचर हो सकता है, आप लोग बहुत सारे फीचर्स इसमें से यूज़ करते हो या हो सकता है आप लोग इनमें से कुछ फीचर्स यूज़ ना करते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि साल 2020 में व्हाट्सएप ने अपने एप्लीकेशन में अपडेट किए हैं और इनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसमें से कुछ फीचर्स जो है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिना और बात करे चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बिना और बात करें आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप के डिसअपीयरिंग मैसेजेस की। डिसअपीयरिंग मैसेजेस का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और हो सकता है आप लोग यूज कर रहे हो। व्हाट्सएप का ये डिसअपीयरिंग मैसेज जो है, इसकी मदद से आप किसी भी ग्रुप में या किसी भी पर्सनल चैट में भेजे हुए मैसेजेस को 7 दिन के अंदर कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपकी स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होगी, क्योंकि आप इमेजेस, वीडियोस वगैरह किसी को भेजते हैं ग्रुप में या शेयर में तो वो व्हाट्सएप सेंट नाम के फोल्डर में जो है वो सेव हो जाती है और वो चीज़ जो है आपके फ़ोन की स्टोरेज को कंज्यूम करती है। तो जब आप डिसअपीयरिंग मैसेजेस का ऑप्शन ऑन कर देंगे तो आपकी जो स्टोरेज है वो भी कम यूज़ होगी और जो मैसेजेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बताइए आप लोगों को क्या ये फीचर पसंद है या नहीं। दूसरा फीचर जो सबसे ज़्यादा पर्सनली फेवरेट है मेरा, वो है व्हाट्सएप डार्क मोड। आजकल हम लोग हर वक्त अपने व्हाट्सएप से चिपके रहते हैं तो ऐसे में हमारी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर वक्त हम अपने फोन को अपनी आंखों के सामने लगाए रखेंगे तो उसकी तेज़ रोशनी से हमारे आंखों के रेटिना पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके लिए व्हाट्सएप ने डार्क मोड को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि डार्क मोड कोई नई चीज़ नहीं है इंटरनेट की दुनिया में, लेकिन व्हाट्सएप में ये चीज़ काफ़ी टाइम के बाद आई है तो और जो ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बन गई है लोगों के लिए। व्हाट्सएप पे हर वक्त इस्तेमाल करने की मदद से आपकी आंखों को खतरा ना हो, इसलिए व्हाट्सएप ने डार्क मोड यूज़ किया और बहुत सारे लोग इस मोड को यूज़ कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आप लोगों को पसंद है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। थर्ड फीचर जो व्हाट्सएप की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है स्टोरेज मैनेजमेंट। आप सेटिंग में जाकर, अपने स्टोरेज मैनेजमेंट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने किस इंसान के साथ कितनी ज़्यादा स्टोरेज शेयर कर रखी है, मतलब आपने किसके साथ कितनी चैटिंग की है, कितनी ज़्यादा इमेज आपने भेजी है, कितनी ज़्यादा वीडियोस भेजी हैं, कितनी ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह ऑडियो वगैरह आपने शेयर किए हैं। तो उससे क्या है, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आपके जो फ़ोन की स्टोरेज है वो कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रही है, किस यूज़र के साथ आपने ज़्यादा इंटरेक्शन किया है। और अगर आप चाहें तो अपनी स्टोरेज को ठीक करने के लिए, अपनी स्टोरेज बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप के उस इंडिविजुअल पर्सन की चैट में से वो सारी इमेजेस यानी कि मल्टीमीडिया को एक क्लिक के साथ डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये भी व्हाट्सएप का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बात करें अगर आप व्हाट्सएप की वीडियो कॉल की, तो पहले से क्या होता था, सिर्फ 2 लोगों के साथ आप वीडियो कॉल कर सकते थे, फिर बाद में व्हाट्सएप ने उसको बढ़ाकर 4 कर दिया, लेकिन अब आप लोग 8 लोगों के साथ एक साथ ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा उन लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं और जो व्हाट्सएप से ही नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं आपस में एम्प्लॉइज वगैरह, उन लोगों को इस फीचर का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो अब आप लोग व्हाट्सएप पर एक साथ 8 लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये फीचर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है व्हाट्सएप का। नेक्स्ट फीचर जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया व्हाट्सएप का, वो है म्यूट ऑलवेज। पहले एक फीचर था व्हाट्सएप में म्यूट करने का, किसी भी चैट को आप म्यूट कर सकते थे 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अब आप किसी भी ग्रुप चैट को या किसी भी पर्सनल चैट को म्यूट ऑलवेज यानी कि हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं। अगर उस चैट में आपको कोई मैसेज आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो ये उन ग्रुप की नोटिफिकेशन से निजात पाने का बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ पे हर वक्त लोग कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी के तहत आप ऐसे ग्रुप्स को छोड़ भी नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ऑफिस ग्रुप की या कुछ ऐसे ग्रुप की जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपको उस ग्रुप का यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही कम आप उस ग्रुप को यूज़ करते हैं, ऐसी जगह पर ये फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। म्यूट ऑलवेज अगर आप लगा देते हैं तो आपको उस चैट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये भी फीचर व्हाट्सएप का मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है। अगला फीचर जो है व्हाट्सएप का वो है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च की मदद से आप कोई भी मैसेज, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी मल्टीमीडिया फाइल आसानी के साथ सिर्फ सर्च करके टाइप कर सकते हैं। अगर आपको सर्च पे क्लिक करेंगे आप तो आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, फोटोज़, वीडियोज़, मल्टीमीडिया, लिंक वगैरह जो भी आपने शेयर कर रखा होगा उस सारी चीज़ों के वहाँ पर आपको आइकन दिख जाएंगे। आप आसानी के साथ क्लिक करके पता कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से लिंक शेयर कर रखे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अपने लिंक्स वगैरह को, मल्टीमीडिया फोटोज़, वीडियो वगैरह को सॉर्ट करने में और ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
पहले क्या था, पहले आप सर्च में जाके सिर्फ मैसेज को ही ढूंढ सकते थे, लेकिन अब आप किसी भी मल्टीमीडिया को जो भी आपने व्हाट्सएप में शेयर कर रखा है उसको आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। तो आई थिंक ये भी एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है व्हाट्सएप का। और अब मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा अच्छे फीचर की, जो कि व्हाट्सएप ने अभी अभी रोल आउट किया है और सभी के मोबाइल में अभी भी रोल आउट नहीं हो पाया है। कुछ लोगों के मोबाइल में आ चुका है, लगभग 20 मिलियन लोगों के अभी भी बाकी लोगों के मोबाइल में आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे की। व्हाट्सएप ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर UPI को यूज़ करते हुए एक ऐसा पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया है जो कि लगभग 160 बैंक को सपोर्ट करता है। तो इसकी मदद से क्या है, आप किसी को भी बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप के थ्रू UPI का यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। इस फीचर को डिज़ाइन करने के पीछे व्हाट्सएप का एक ही मकसद है कि पेमेंट जो है, ऑनलाइन पेमेंट, उसको इतना आसान बना दिया जाए जितना कि आसान किसी को व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना होता है। अगर आपको किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है तो आप सिंपली उसके यूज़र नेम पर जाकर, उसके नाम पर जाकर हाई लिखते हैं और आसानी के साथ आप चैटिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप व्हाट्सएप पे का यूज़ करके किसी को भी बहुत ही आसानी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये फीचर सारे लोगों के लिए रोल आउट नहीं हुआ है, बहुत ही कम लोगों के लिए हुआ है। कुछ बीटा टेस्टर्स उनके लिए रोल आउट हुआ है और कुछ लोग हैं जो नॉर्मल, उनके लिए भी ये फीचर रोल आउट हुआ है। थोड़े टाइम में आने वाले टाइम में धीरे धीरे व्हाट्सएप जो है इस फीचर को सभी के लिए रोल आउट कर देगा। तो ये फीचर जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। तो गाइस आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्हाट्सएप का फीचर कौन सा है जो कि व्हाट्सएप ने 2020 में रोल आउट किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोग मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।